बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें राज्यों से जुड़ी। तृणमूल सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, कहा पार्टी में घुट रहा था दम, भाजपा में शामिल होने की चर्चा शुरू। यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूँ, मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। बंगाल में वामपंथियों के 12 घंटे बंद का आंशिक असर। बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा। 11 महीने के बाद खुले स्कूलों के दरवाजे, बंद के कारण उपस्थिति रही कम, छात्रों में उत्साह ऐसा जैसे पहली बार स्कूल जा रहे हैं। उत्तर बंगाल के गैर सरकारी अस्पतालों से कोविड की निःशुल्क चिकित्सा होगी समाप्त। उत्तर बंगाल में कोविड की लगातार घटती मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया निर्णय। देश दुनिया से जुड़ी खबरें। राज्यसभा में बजट पर चर्चा। वित्त मंत्री ने दामाद शब्द बोलकर कांग्रेस पर तंज कसा, फिर सफाई दी, दामाद हर घर में होता है लेकिन कांग्रेस में है स्पेशल नाम। तमिलनाडु में हादसा, विरुधनगर की पटाखा फैक्ट्री में आग से 11 लोगों की मौत, 36 घायल, केमिकल मिक्स करने के दौरान हुई घटना। अब रुख करते हैं जिलों की खबरों की ओर। गोघाट में एक पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर हुई दुर्घटना का शिकार। अस्थाई छिलाम देखलाम ये पुलिस गाड़ी का गाचर संगे कोनो एक गाड़ी संगे धक्का मेरे छे, मारार फले गाचर संगे छेटे गेछे। तो जावर पर आमरा দেখলাম যে গাড়িতে পুলিশ আছে, ওদের ওনাদেরকে বার করে আমরা হসপিটালে পাঠিয়েছি। वाम द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान पांडुआ में रेल रोकी गई, तो वहीं श्रीरामपुर के बिल्डिंग बाजार में जीटी रोड अवरोध के दौरान वामपंथी और पुलिस के बीच हुई झड़प। कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धूप खिली रहेगी। कल का पंचांग। विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए